इस वीडियो में हम बनाएंगे सूजी के स्टीम्ड बॉल्स। तो इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया है। इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, हींग, एक चम्मच तेल डालेंगे, कटा हुआ धनिया का पत्ता, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक कटोरी सूजी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे भी हम बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3-4 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक कर ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट बाद हमने मिक्सचर को अच्छे से मसल कर इसका डो बना लिया है। अब हमने हाथों में तेल लगाया है, इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सभी बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। इसे हम स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने एक प्लेट लिया, इसे हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम सारे बॉल्स को रख देंगे। अब हमने कढ़ाई में पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर हम प्लेट को रखेंगे। फिर हम इसे ढक कर 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। पंद्रह मिनट स्टीम करने के बाद इन्हें हम चेक कर लेंगे। सूजी के बॉल्स जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम खड़ा सरसों डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता और सादा तिल डालेंगे। इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें स्टीम किए हुए सूजी बॉल्स को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इसी तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दो तीन मिनट बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा सूजी बॉल्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। टेस्टी स्टीम्ड सूजी बॉल बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप किसी चटनी, सॉस या फिर ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस सूजी बॉल की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।